पुत्र आओ। राम तुम कुछ कहना चाहते हो? कह दीजिए महाराज। कहो पुत्र क्या बात है? मुझे शांता दीदी का सत्य पता चला पिताजी। नहीं गया कौशल्या से, मेरे निवेदन का इतना भी मान नहीं रख सकी वो, बता ही दिया तुम्हें। वो बताना नहीं चाहती थी, मैंने ही विवश कर दिया उन्हें, और मुझे प्रसन्नता है कि मुझे देर से ही सही इतने बड़े त्याग का पता तो चला। पता नहीं क्या सोचते हो कि तुम मेरे बारे में। मैं दोषी हूं? नहीं पिताजी, यदि आप में आत्मग्लानी नहीं होती तो आप दोषी होते। ग्लानी कहिए, दुख कहिए, इनके माध्यम से आपने दीदी को सदैव समीप रखा है। सत्य कहा तुमने पुत्र, सत्य कहा। मेरी माता ने उसे सोने की मूर्ति के रूप में जीवित रखा, पर मेरे हृदय में वो एक बड़े अपराध की ग्लानी बनकर रहती आई है। वो एक क्षण यदि मैं उसे जाने नहीं देता, परंतु मेरे कुल के प्रति, मेरे राज्य के प्रति मेरा दायित्व व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं बड़ा हो गया था। जब तक मैं समझता कि क्या हो रहा है, बहुत देर हो चुकी थी, वो जा चुकी थी, जा चुकी थी। शांता का दूर हो जाना हम दोनों के बीच की दूरी का निमित्त बन गया है। वो मुझे दोषी समझती है, परंतु मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। जिस संबंध में इतना प्रेम हुआ करता था, इतना विश्वास, अब मैं क्या कहूं? केवल करवाहट रह गई है राम, केवल करवाहट रह गई। शांता दीदी के जाने से आपके और मां के बीच दूरियां आई थी, उनसे मिलके वो दूरियां समाप्त हो जाएंगी। लौट आएगा वो विश्वास, वो प्रेम। आप देखिएगा, शांता दीदी से मिलके मां और आपके संबंध में परिवर्तन आएंगे। मैं शांता दीदी से मिलने जाना चाहता हूं, मां के साथ, अपने भाइयों के साथ। अवश्य अवश्य जाओ पुत्र,
रघुकुल की उस महान पुत्री से भेंट करो और कहना मेरी पुत्री से कि अगर हो सके तो अपने पिता को क्षमा कर दे। मिलने के पहले ही सारे आश्रु बहा देंगे तो मिलने पर क्या करेंगे? हाँ, ऐसे ही मुस्कुराइएगा। इतने वर्षों से आपको मैंने दुख में देखा है प्रतिपल, पर अब सारा दुख दूर हो जाएगा दीदी जब आप हमारी शांता से मिलकर लौटेंगी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी प्रसन्न हूँ ये जानकर कि राम आपको शांता से मिलवाने ले जा रहा है। बहुत प्रसन्न हूँ दीदी, बहुत प्रसन्न हूँ। कक्ष से आंधी की भांति निकली थी तो मुझे लगा था कि मेरी बातों का प्रभाव हुआ है इस मूर्ख पर यहाँ देख के तो ऐसे लग रहा है कि भावुकता की भंवर में फंस रही है ये। डूबेगी डूबेगी एक दिन। मन तो मेरा भी था कि आपके साथ चलूं, किंतु आपकी अनुपस्थिति में यहाँ मेरा और सुमित्रा का रहना आवश्यक है महाराज की देखभाल के लिए। उनके लिए निर्णय बहुत भावुक रहा होगा। दीदी मैं तो कहती हूँ कि आप हमारी शांता को यहीं ले आइए कुछ समय के लिए हमारे पास। हाँ दीदी ले आइएगा। लाएंगे माँ, अवश्य लाएंगे। राम, हम सब के जीवन में फिर से प्रसन्नता लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पुत्र। तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर पाता। समझाया था इसे कि राम की आंखों में मत देखना। कब समझेगी? हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? दीदी बिना भी एक क्षण गवाए अब अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। लोरा माँ को शांता के पास ले जाओ। हम आ रहे हैं दीदी, हम आ रहे हैं।
क्या कहा उसने? मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि वो बहुत प्रसन्न है, संतुष्ट है। विस्तार से आपको माँ कौशल्या बताएंगी। कहाँ है वो? वो माँ सुमित्रा के साथ पाकशाला की ओर गई हैं। महाराज, मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ सुमित्रा? चलिए ना मेरे साथ। कहाँ ले जा रही है सुमित्रा? चलिए तो सही। बैठिए तो सही। सुमित्रा, मुझे तो भूख भी नहीं लगी है। इतना समय क्यों लग रहा है आरम? 3 दिन से आपकी नाना सुनती आ रही हूँ। आज आपको भोजन के बिना नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी आज आपके लिए एक विशेष व्यंजन बनवाया है। विशेष व्यंजन? धैर्य रखिए दीदी। आप बहुत स्वाद से खाते थे, इसलिए मैंने इसे स्वयं बनाया है। कौशल्या, आपने 3 दिन से भोजन नहीं किया, ग्रहण कीजिए। क्या उसने मेरे लिए कुछ कहा? किस मुझे क्षमा किया है? उसने आपसे कहने के लिए कहा कि जो हुआ वो नियति और जो होगा वो भी नियति है। आपकी शांता बहुत सुखी है, संतुष्ट है। उसने कहा मुझसे क्षमा की अपेक्षा करके आप उसे ऋणी ना बनाएं। एक ऋषि पत्नी का ऋणी होना अच्छा नहीं है। वो जानती है आपके मन की पीड़ा, वो जानती है आप उससे कितना प्रेम करते थे, करते हैं। और जहां प्रेम हो वहां आत्मग्लानि को स्थान देकर आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। उसने कहा कि उसकी स्मृतियों का दमन ना करें, उसकी बातें करें। यहां अपने संसार में उसे जीवित रखें अपनी पुत्री के रूप में, आत्मग्लानि के रूप में नहीं। Oh,
कुशलिया, कुशलिया क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? इतने वर्ष आपके प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा की है और किस लिए? इस भ्रम में कि आपको शांता के जाने का दुख नहीं था? कितने संकुचित विचार थे मेरे, शुभ केवल मुझे अपना ही दुख दिखा। इसलिए क्योंकि मैं व्यक्त कर सकती थी, आपने व्यक्त नहीं किया तो मुझे आपके दुख का आभास ही नहीं हुआ। महाराज, एक पत्नी अपना दायित्व निभाने में असफल रही है, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। क्षमा आपने मांग ली है और मैंने भी मांग ली है। अब हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि शेष नहीं आनी चाहिए। देखो देखो कौशल्या, आज हमारे पुत्र राम ने हमें इस बोझ से मुक्त कर दिया है। राम, हमारा राम, हमारी शांता की भेंट है वो इस रघुवंश को। महारानी, क्या आप हमें भोजन नहीं करवाएंगी? अवश्य।